कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम? एल्युमिनियम डायग्राम करना था। एल्युमिनियम एलिंगम डायग्राम है ना, ये पढ़ना था। अच्छा एक मिनट रुकना, अच्छा और बताओ तुमने कल पढ़ा था? हेलो, ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ी थी तुम लोगों ने? सभी इस चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, टेस्ट क्यों? की तैयारी कर। टेस्ट किस, कौन से टेस्ट? संडे को है ना। हैं? अच्छा तुम्हें मैंने फुल इनऑर्गेनिक बोला था ना? जैसे आपने चेंज कर दिया था, क्या? जैसे आपने कहा था 12th की ऑर्गेनिक प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा 12th की ऑर्गेनिक कर दिया था मैंने। यस सर। 12th की ऑर्गेनिक में शायद दो चैप्टर किए थे ना, मुझे थोड़ा याद दिला दो यार, मुझे याद नहीं है। मैं तो सिलेबस पता चले। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल है और अमीन्स है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा लेट क्या प्रियांशु, आज तुम्हें लिंक लेट ले मिला है क्या? मैं तो पहले आ गया था सर। किस किस को लिंक लेट ले मिला है आज? सर मुझे लेट मिला था। अच्छा सर क्लास के 10 मिनट पहले मिला था। अच्छा अच्छा पता नहीं क्यों। अच्छा लेट आया है कि लेट मिला है? लिंक कहाँ पे आता तुम्हें? ऐप पे आता है। अच्छा चलो स्टार्ट करेंगे हम एलिंगम डायग्राम। पहले हम थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है? एलिंगम डायग्राम के बारे में इस चैप्टर में कितना करा दिया मैंने? लास्ट लेक्चर देखा नहीं। मैंने पूरा पकड़ करा दिया, मतलब मैक्सिमम चीजें सारी की करा दी हैं। इंपॉर्टेंट सारे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोलिक, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, है ना। अब मैं कुछ आज ओर्स के बारे में बताऊँगा, कुछ ओर्स को कैसे हम वहाँ से डिटरमाइन करेंगे, और कुछ मैं यहाँ पे आपको आज एलिंगम डैंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो आप ठीक है? यस सर ठीक है। हाँ तो थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं फॉर मेटलर्जी के लिए। अच्छा एक चीज आपने पढ़ी थी यदि याद हो, कुछ दिन पहले छोटे छोटे से थे तू से, डेल्टा जी नॉट क्या बोलते थे हम इसको, बोलो। गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड 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 बोला करो। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड आ जाता है, इक्वल टू एन एफ ई नॉट माइनस एन एफ ई नॉट पढ़ा था, है ना? यस सर। तो अच्छा अब यहाँ पे एन क्या होता था बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, है ना, इन्वॉल्व्ड इन ए रिएक्शन। एफ क्या होते थे यहाँ पे? 96 फेराडे। बिल्कुल, एक और एक फेराडे में क्या होता था? 96500 कूलम्ब होता था। ई नॉट क्या होता था बोलो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। वेरी गुड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब एक बात समझना, यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा डेल्टा जी नॉट क्या होता है यहाँ पे? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। कुनाल आया है? नहीं आया, चेंज, ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, एक और आपने रिलेशन पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अच्छा ये हमें क्या बताता है यदि हम बात करें तो? ये स्पॉन्टेनिटी को चेक करता है,
रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यही तो बताता है। कैन बी चेक्ड बाय डेल्टा जी। अच्छा एक बताओ, यदि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। और यदि मान लो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा यदि मान लो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। ये बात तो आपको पता है। अब एक बात बताना सिंपल, पेज मैंने कम छोड़े क्या, एक मिनट रुकना। ठीक है अब देखो, अब ध्यान समझना यहाँ पे सिंपल। तो यदि मैं एलिंगम डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बात ध्यान समझना, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो मेटल की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से करोगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे जो एलिंगम डायग्राम का काम होता है ध्यान समझना, वो होता है कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कल भी बात की थी, जो एलिंगम डायग्राम बताता था ये आपको सिंपल सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसके बारे में बताता था। अब मैं यदि बात करूं सिंपल, तो देखो ये जैसे मान लो हम ग्राफ खींचते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी है ना, और टी टेम्परेचर में, तो मान लो ये आपका एक कांस्टेंट ग्राफ है जहां पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आपका ग्राफ आ रहा है, ध्यान समझना। ये मान लो ए है, एक मान ली, ये बी मान लिया, ए वाला पार्ट ये है, बी वाला ये है, और ये टेम्परेचर क्या है आपका, टी नॉट है, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं बात करूं जो ये है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या मैं बोलूं डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे जो एम प्लस ओ टू रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो इसका जो बन रहा है ये निगेटिव आ रहा है, और ऊपर क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान समझना कैसे, ठीक है, क्योंकि M प्लस O2 रिएक्ट किया तो मान लो MO बना, ठीक है। यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन की है वो आ रही है नेगेटिव, और जब MO से ये आपका MO2 बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, MO से जब M प्लस O2 बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जो होता है डेल्टा जी नॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो जब ग्रेटर देन जीरो तो मतलब कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस तुम देखोगे तो यहाँ पे कौन सा हो गया, बोलो, वो हो गया आपका ए पार्ट, जो ए पार्ट वाला है ये क्या है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ध्यान समझना, यदि मैं बी पार्ट की बात करूँ, ठीक है, तो बी पार्ट की बात करूंगा तो क्या होगा, एम प्लस ओ टू है मेटल ने, तो क्या बना, एमओ, और अब आपको पता है एमओ क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, एम प्लस ओ टू बन गया। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जो है सिंपल पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो है ड्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, और जब लेस देन जीरो तो कैसा हो जाएगा, बोलो, फिजिबल, फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा, सिंपल ये आपका स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता देगा। अब यहाँ पे समझना, जैसे मान लो ये तो आपको एक सिंपल सी बात हमने बता दी, तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वाला, यदि आप देखो इस लाइन के नीचे जब आप रिड्यू ले रहे हो तो क्या है आपका, क्या नहीं हो रहा है, बोलो,
सिंपल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करे, लेकिन आप ऊपर लोगे तो क्या होगा, इस ग्राफ के ऊपर लोगे जाओगे तो क्या होगा, बोलो फिजिबल कर, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, तीन मेटल ले ली हमने, ठीक है, ये आपका मान लो Ag2O है, ये मान लो आपका सिंपल मैं मानूं ये Ag2O हो गया, ये आपका HgO हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया थोड़ा सा, एक मिनट ग्राफ थोड़ा गलत बन गया, मैं इसमें रेजर कहाँ गया भैया, पीसी में, चलो रुक जाओ मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूँ, इस तरीके से ग्राफ है कुछ, ये गलत है ग्राफ, ये आपका Ag2O का ग्राफ है मान लो, ये आपका बहुत ही पास होता है सिंपल HgO का ग्राफ है, ये मान लो आपका ZnO का ग्राफ है, ये T1 टेम्परेचर है मान लो, ये T2 टेम्परेचर है, और ये मान लो आपका T3 टेम्परेचर है। अच्छा एक बात आना, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ लग रहा है, T1 T2 T3, ये आपका डेल्टा जी और टी में है, T3 है, T1 से ज्यादा T2 का है, T2 से ज्यादा T3 का है। अच्छा एक बात आना, यदि मैं मान लो Ag2O को अब हीट कर रहा हूँ, जैसे मैं Ag2O को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा, Ag+O2 मिलेगा, ठीक है, ये मतलब लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, यदि आप देखोगे क्या लो टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो HgO भी है, इसको भी हीट करोगे तो तभी तुम्हें याद हो हापा, याद है कुछ, बोलो इनका जब हीटिंग इफेक्ट होता था तो ये सिंपल क्या हो जाते, मेटल के फॉर्म में मिल जाते थे। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे मान लो आपने ZnO ले लिया, अब आप इसको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जिंक प्लस O2, लेकिन यहाँ पे O2 मिलेगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा बोलो, हाई टेम्परेचर मिले, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है, बहुत ही हाई है, ठीक है। अब इस केस में, इन दोनों केस में तो आपको क्या नहीं चाहिए, बोलो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपको क्या, जैसे मान लो ये आपका मान लो 600-700 डिग्री पे काम हो रहा है, ये कितने पे हो रहा हो, 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पे काम हो रहा होगा, तो कितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा T3, तो इसीलिए हम इस केस में क्या यूज करते हैं, सिंपल आपका यदि बोलूं तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, और लो टेम्परेचर पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट का क्या नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब क्या होगा, जैसे मान लो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, दोज मेटल ऑक्साइड विच हैव लो डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर और डायरेक्टली गेट मेटल, तो यहां पे क्या होगा, देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Ag2O और HgO, मतलब इस केस में क्या नहीं हुआ, कोई भी नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे ही आप दोज ऑक्साइड विच हैव
हाई डिसोसिएशन टेम्परेचर, ठीक है ना, या हाई डिकम्पोजिशन या हाई डिसोसिएशन टेम्परेचर आर नॉट डायरेक्टली हीटेड। आप डायरेक्टली हीट नहीं करते, यदि याद हो तो मैं इसीलिए हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते थे, एक नाम और बोलते थे, स्मेल्टिंग, याद है? Yes. कल हमने पढ़ा था स्मेल्टिंग बोलते थे जब हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते थे, इस प्रोसेस को हम सिंपल स्मेल्टिंग बोलते थे। तो आर नॉट डायरेक्टली हीटेड एंड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज एडेड, तो क्या होगा आपका ZnO को हीट करोगे तो Zn प्लस O2, ये नहीं करेंगे हम कभी भी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल एक सुटेबल आपका रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, Zn प्लस CO मिल जाएगा, ठीक है। इस केस में जैसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, समझना, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं ये कर रहा हूं, देखो ये बनाया टेम्परेचर, ये डेल्टा जी, ये मान लो आपका सी प्लस ओ टू है, सी गिव सी ओ टू, ठीक है। ये मान लो आपका बी ग्राफ है, एक ग्राफ आपका ये आ रहा है जिसका है सिंपल सी गिव्स सी ओ, एक ग्राफ आपका ये आ रहा है जहाँ पे मिल रहा है आपको सी ओ सी ओ टू, ठीक है। अब देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ फिर आप समझ जाओगे अच्छे से। सी से सी ओ बन रहा है तो ये बताना सी ने रिएक्शन किया होगा हाफ ओ टू से तो क्या मिला होगा, सी ओ बना होगा। अच्छा डेल्टा एन जी कितना होगा, डेल्टा एन जी जानते हो कैसे बोलते हैं, बोलो डिफरेंस, बिल्कुल रिएक्टेंट के माइनस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो कैसे करोगे बोलो, तो प्लस हाफ आ रहा है। तो अभी बताना सिंपल, आप मोल्स ऑफ गैस जब इंक्रीज करोगे तो रैंडमनेस क्या होगी, अच्छा रैंडमनेस मतलब समझते हो, यहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज होगी मतलब एंट्रोपी का क्या अभिप्राय है रैंडमनेस से, बिल्कुल, क्योंकि एंट्रोपी मतलब सिंपल मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, या मैं बोलूं सिंपल इररेगुलरिटी। तो सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की इररेगुलरिटी ज्यादा होगी, जब इररेगुलरिटी ज्यादा होगी रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, है ना। और तो डेल्टा एस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पॉजिटिव, बोलो क्लियर यहाँ पे, अच्छा तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा ये एक चीज और बताओ मुझे सिंपल, जब डेल्टा एस पॉजिटिव है ठीक है, तो एक बात है ना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब मुझे बताना जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ होगा, तो वेरी गुड। तो स्पॉन्टेनियटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा एक बात आना, यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, जीरो होगा सिंपल, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि हम बात करें नंबर इस थर्ड वाले ग्राफ में ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट, यही सेम केस लग रहा है, आप कर सकते हो घर पे। तो जब डेल्टा एस मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा यदि आप देखोगे एन जी जो मोल्स ऑफ गैसेस हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब रैंडमनेस डिक्रीज करेगी तो एंट्रोपी क्या करेगी,
वो भी डिक्रीज करेगी, तो डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पे, बोलो बोलो, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज, इंक्रीज होगा, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना के दे देता है वो। चलो अब एलिंगम डायग्राम देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एच जे टी एलिंगम ने, इन्होंने क्या किया था, गिवन दिया था सिंपल यहाँ पे, ये प्रोवाइड बताते सिंपल कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, रिडक्शन ऑफ सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, ठीक है, उसके लिए बताते हैं कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, किसमें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमने ये तो देख लिया सिंपल, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी। हमने एक ग्राफ भी अभी देखा था, किसका, सी गिव्स सी ओ, सी गिव्स सी ओ टू, सी गिव्स सी ओ गिव्स सी ओ टू, तीनों देख लिए थे हमने केस, ठीक है। अब देखो ये भी बताता है, ये हमने बताया था थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, स्पॉन्टेनिटी बताता है, डेल्टा एच इक्वल, बोलो, ये तो हमने देख लिया सिंपल टी डेल्टा एस, यहाँ पे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, मतलब क्या होगा बोलो, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हो गया O2 MO बन गया। डेल्टा एस क्या है देखो यहाँ पे, ये तो मैंने अभी हाल ही डिस्कस किया, ये गैस है, सॉलिड है, डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, सिंपल नेगेटिव, टेम्परेचर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे क्या होगा, नेगेटिव, ये चीज समझ में आई, डेल्टा जी लो टेम्परेचर पे क्या होगा, नेगेटिव, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये समझ में भी आ रहा क्यों होगा, यदि हाई टेम्परेचर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, यदि आप कोई भी टेम्परेचर लोगे ज्यादा तो डेल्टा जी तो आपका क्या होगा, लो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उल्टा ही लिखा है यहाँ पे, सही लिखा है, हाई टेम्परेचर पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है ठीक है, ओके। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये भी देख लो, इस केस में क्या होगा, हायर टेम्परेचर तो डेल्टा जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये तो हमने भी देखा था, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका डिक्रीज क्या करेगा, बोलो, सिंपल सिंपल डिक्रीज करेगा डेल्टा जी, तो डेल्टा जी डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, मतलब सिंपल यदि आप देखो डेल्टा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, यहां भी देखो सेम चीज है, क्या आएगा बोलो, इंडिपेंडेंट, तो डेल्टा जी, अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने उल्टा बता दिया क्या, कुछ सही बताया, अच्छा ओके ओके, ये सब ये सारा खेल पता कहाँ से आ रहा है, डेल्टा एन जी से आ रहा है, डेल्टा एन जी हमने, इसका डेल्टा एन जी निकालोगे बोलो, क्या होगा इसका डेल्टा एन जी, बन आ जाएगा, है ना, बन आएगा, तो मतलब डेल्टा एन जी यहाँ पे बड़े, यहाँ पे क्या है, ये गैस है, यहाँ भी गैस है, इंक्रीज हो रहा है ना, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, बोलो, जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो आपको भी पता है जब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वही वाला खेल है जो अभी हमने डिस्कस किया ना, सी प्लस ओ टू सी ओ, तीनों, ये डेल्टा जी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वो कौन सा आ गया, यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गया, बोलो, कांस्टेंट, यदि आपने देखा होगा सिंपल, अभी हमने ग्राफ ही बनाया था एक, देखो कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ CO2 का, क्यों ध्यान दिया था अभी, ये वाला ग्राफ बनाया था यदि याद हो,
इसके लिए क्या था, एंट्रोपी कांस्टेंट थी, यही वाला केस है। अब देखो ये तो तुम्हें सब क्लियर है, ठीक है, ये मैंने सब सारी बातें आपको बता दी है। क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड, आगे बढ़े। यस, अब फीचर्स और यदि हम बात करें तो डायग्राम ही बनाएंगे, सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लो ये आपका सी प्लस सी ओ टू सी ओ का बना था, अभी हमने बनाया भी था, ठीक है। एक आपका ये ग्राफ बना सी ओ प्लस सी ओ टू का सी ओ टू बना, ठीक है। एक हमने ये बनाया एल्यूमिनियम, इस डिफरेंट डिफरेंट एलिंगम डायग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे एच जी ओ, जो इसके लिए देखो टी, अब आप यहाँ पे देखो ये बन गया। अब आप देख रहे हो, अब किस केस में आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, किस केस में नहीं पड़ेगी, वो आपको कैसे पता लगेगा, बोलो, इस एलिंगम डायग्राम से पता लग जाएगा। मतलब यदि मैं बात करूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, जनरली जो यूजिंग पड़ती है अप्रोक्सीमेट अपन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद ही यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किसी को भी यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन नहीं लेते हैं जनरली, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर, ये जहाँ कट कर रहा है इससे देखा करो, इस ये वाले से, यहाँ पे ये जहाँ कट कर रहा है, आप देखो ए जी और एच जी कितना ऊपर है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपके सिंपल एलिंगम डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्राफ बने हुए हैं, हर ऑक्साइड के केस में कौन सा है। देखो तो यहाँ पे ये बात आप बस याद रखोगे सिंपल, ठीक है। ये आपको टेम्परेचर बता रहे, कर्व सिंपल दिखा रहा है आपको, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। यहाँ तक बताओ, किसी कोई दिक्कत, ये पढ़ लेना, बाकी चीजें सब वही लिखी हुई हैं। तो ये मैंने अभी बताया भी था, ठीक है। तो देखो आप सिंपल इस केस में क्या यूज कर रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, बोलो। ये याद रख लोगे ना इतना, रिड्यूस समझ में आए एलिंगम डायग्राम का मेनली यूज क्या है, बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना। चलो जैसे ये कंडीशन आई आपको, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपको, कंडीशन फॉर अंडर ये रिड्यूस एल्यूमिना, तो आप जैसे Al2O3 ये बना, ठीक है, आपने मैग्नीशियम लिया, ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया आपने, सिंपल रिड्यूस इस तरीके से लिख दिया। तो आप देखो यहाँ पे जो Mg है, जो आप Mg यूज कर रहे हो, वो कैसे यूज कर रहे हो, बोलो, एज आ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हो। इसने इसको क्या कर दिया, एल्यूमिनियम को, बोलो, रिड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया, देखो ध्यान समझो, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है। अब ये बताओ, यदि आप देखोगे तो मैग्नीशियम का जो टेम्परेचर है, कर्व कहाँ, नीचे है, और ये कहाँ, जो आपका मैग्नीशियम का टेम्परेचर यहाँ पे, ये कम है, एल्यूमिनियम कहाँ जा रहा है, बोलो। तो आप देख सकते हो ना, हमें किस केस में, अब हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा, एल्यूमिनियम केस में, बोलो। हम मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, हम जो भी, मतलब एल्यूमिनियम से कम, आप नीचे वाला जो भी ग्राफ नीचे होगा उसको आप यूज कर सकते हो एज आ किसके लिए, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, सिंपल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्यूमिनियम रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्व के नीचे रिड्यूस कर देगा, कर्व के ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान रखना, यदि इसके ऊपर की मैं बात करूं, क्या यहाँ पे रिड्यूस रिडक्शन होगा, नहीं होगा, रिडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, बोलो, मैग्नीशियम जो रिड्यूस करेगा एल्यूमिनियम को कहाँ पे करेगा, बोलो, इस टेम्परेचर के बिलो, नीचे,
आज बहुत कम लोग आए हैं, हमें लगता है उस कुणाल को भी वो नहीं मिला है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लेना आप तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। वैसे इसका बताओ क्या होगा, सी ऑप्शन, सी प्लस हाफ ओ टू सी ओ टू। अच्छा वेरी गुड, अभी हमने कराया भी था, ये सिंपल बताया भी दिया था। प्रियांशु, प्रियांशु यस सर, हो रहे हैं? कैसे किया? डेल्टा एनजी से कर रहे हैं अपन, सिंपल किससे करें? डेल्टा एनजी। चलो तुम्हें यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा अभी बताओ, इसके बाद ये चैप्टर तुम लोग खुद पढ़ लोगे, मैं और कराऊं? क्या क्या है एनसीईआरटी में तुम्हारे, और क्या क्या दिया हुआ है इसमें? मेटलर्जी में ये भी दिया हुआ, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जो अभी टॉपिक करेंगे ये है। इसके बाद थोड़ा बहुत जिंक के बारे में रखा है। अच्छा जिंक के वो ओट्स को रिड्यूस कराते हैं। ठीक है ठीक है। हां और फिर रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग है खत्म। फिर एलिंगम डायग्राम तो खत्म हो गया, पढ़ लेना जरूर। चलो एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखो, यदि हम आयरन को सिंपल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करना है, तो यदि हम ऑक्साइड ऑफ ओर्स यदि हम देखें ऑफ आयरन की आफ्टर कंसंट्रेशन जब हम देखेंगे, तो आपको किसके थ्रू करोगे? कैल्सिनेशन रोस्टिंग के थ्रू, है ना, क्योंकि वहाँ पे लाइम स्टोन भी होगा, कोक भी होगा, मतलब आप सिंपल उसको ब्लास्ट फर्नेस से इसको आप इसको सिंपल लेके जाएंगे। ब्लास्ट फर्नेस याद है, इंक्रीजिंग टेम्पर, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता था ब्लास्ट फर्नेस का, तो बता सकता है? 2200 केल्विन की समथिंग, है ना, 2200 केल्विन की समथिंग रहता था। एनसीईआरटी में याद रखना है, इसका क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, जेई में भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी से ही पेपर बन रहा है, उसको याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करना, सिंपल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है मेटल में, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल जो कोक है, कोक मतलब समझ रहे हो कार्बन, इसको हमने क्या किया, यूज किया सिंपल थर्मोडायनेमिक्स से, जो मतलब मैं बोल यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स हेल्प लिखा हुआ, मतलब कहाँ से इतने हेल्प मांगी है बोलो? एलिंगम डायग्राम से। कहाँ से लिया? एलिंगम डायग्राम से, जो क्या कर रहा है एक या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हम कर रहे हैं। अब जैसे देखो, ये लिया FeO, लिया FeO की रिएक्शन कार्बन से कराई कोक से, तो क्या बना आपको, Fe मिल गया प्लस CO मिल गया। ठीक है, अब देखो जैसे ये रिएक्शन हो रही है, अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा बोलो? यदि आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे FeO है पर Fe, अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे बोलो? FeO प्लस कार्बन गिव्स, क्या मिलेगा आपको बोलो? Fe प्लस और क्या मिल जाएगा? CO, CO2 भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है, CO, CO मिल जाएगा, आप ओवरऑल रिएक्शन आपको मिल जाएगी, क्योंकि हाफ ओ टू से हाफ ओ टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपको ओवरऑल रिएक्शन ये मिल गई। तो यहाँ पे जो कार्बन है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। अब आपको सिंपल याद रखने वाली चीजें हैं, यहाँ पे कुछ अब बताने लायक वैसे कुछ है नहीं, ठीक है, ये आप चीजें याद रख लो, आप पढ़ोगे तो इसको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी, क्या हो रहा है, क्यों हम यूज कर रहे हैं डेल्टा, वही अब वही चीज है सब केस में, अब आपको भी बताना है डेल्टा जी एन जी निकालोगे फिर क्या हो रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस सब के बारे में आप बता दोगे, ये आप सिंपल पढ़ लेना, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे बताओ इसके बाद कौन सा चैप्टर उठाएं रिवीजन के लिए, लेना ये वाला टॉपिक खुद से करना, जैसे कॉपर सल्फाइड है तो हम क्या लेंगे इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट के लिए, क्या करेंगे पहले, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे? सिंपल सी बात है, तो पूछ रहा हूँ, रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो इस केस में भी आप क्या ले रहे हो, कार्बन को ही ले रहे हो सिंपल, ठीक है, कैसा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो रोस्टिंग करोगे तो ऑक्साइड मिल जाएगा। अब देखो तो क्या ले लिया आपने, रोस्टिंग करना है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या लिया, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फाइड लिया,
अच्छा कॉपर सल्फाइड कौन है, क्यूपरिक या क्यूपरस? क्यूप्रस। क्यूपरस। तो आपने सिंपल इसको आप रोस्टिंग में क्या करते हो, रोस्टेड किया तो रोस्टिंग में तो आप प्रेजेंस ऑफ एयर लेते हो, एक्सेस ऑफ एयर लेते हो। तो आपने क्या लिया, जैसे ही आपने CU2S की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो CU2O बन गया प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। अब आपने क्या किया, CU2O को सिंपल कार्बन से रिएक्ट किया तो क्या बना, CU प्लस CO बन गया, तो देखो कॉपर मेटल मिल गई। और यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसे बिहेव कर रहा है बोलो, कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या बोलते हैं, पहले भी अपन ने देखा था, यदि आप कोई भी ऑक्साइड लोगे, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, कोई भी आप मेटल ऑक्साइड लोगे, आप इसकी रिएक्शन क्या करते हो, यदि आप SiO2 से कराते हो तो आपको क्या मिलता है, स्लैग मिलता है। जैसे मान लो आपने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसकी रिएक्शन SiO2 से कराई तो क्या बनेगा बोलो, CaSiO3 है ना। आपने FeO की रिएक्शन SiO2 से कराई, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने मान लो FeO ले लिया, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिखाओ ये सर, FeSiO3। FeSiO3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट कराया सिलिका से, ध्यान समझना, तो क्या मिला आपको, आयरन सिलिकेट मिला, सिलेग मिला। अब यदि मान लो कॉपर इन दी फॉर्म ऑफ कॉमर, कॉपर क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर मैट। ध्यान समझना, देखो इसको याद रख लेना, कॉपर यदि मान लो आप यहाँ पे कॉपर मैट इज देन चार्ज इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर, याद रख लो सिंपल, सिलिका लाइंड कन्वर्टर मतलब आप ऐसे समझ लो, कैसे समझाऊं मैं आपको, या फिर मतलब एक तरीके से जो कॉपर मैट होगा, कैसे समझाऊं मैं इसको आपको, कॉपर मैट एक बार देखना, कॉपर मैट मतलब यहाँ पे कैसे बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, जेल लाइन कन्वर्टर। चलो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो आपका कोई भी, जो आपका मेन क्या होता है, जब भी आपको जनरली आपको जो मिलते हैं आपको, या तो कार्बोनेट मिलेंगे या आपको सल्फाइड और मिलेंगे। देखो मैं एक जनरल आपको खेल बता रहा हूँ, पूरी मेटलर्जी में यही खेल होगा, कोई भी मेटल होगी सल्फाइड और मिलेंगी। आप इनका क्या करोगे, आप इनका सिंपल या तो कैल्सिनेशन करेंगे या क्या करेंगे बोलो, रोस्टिंग करेंगे। तो जब आप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बोलो ऑक्साइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड को आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। पूरा यही प्रोसेस है, चाहे अब आप कॉपर ऑक्साइड लो, चाहे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लो, आप कोई भी ले लो, ठीक है। बोलो ये चीज ध्यान रख लोगे सिंपल सी, बोलो। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कॉपर सल्फाइड से कराते हो तो क्या मिलता है, कॉपर प्लस SO2 मिलता है। ये रिएक्शन क्या है सिंपल, आप ये आपको एक्चुअली ब्लिस्टर्ड एपिडियंस देता है। क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पे SO2 गैस इवॉल्व होती है, ध्यान समझ लेना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम सिंपल, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे आप बोलोगे SO2 गैस का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, इसीलिए कैसा दिखता है आपको बोलो, अपीयरेंस होता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो इसको याद रख लेना बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो जिंक, ये भी आपको याद है, अब क्या करोगे आप बताओ, ZnSO का
ये किससे रिएक्शन करेगा बोलो? पहले इसको आप रोस्टिंग कराओगे तो क्या मिलेगा? ZnO प्लस SO2 निकल जाएगा। अब आपको पता है जब ZnO है, अब इसको किससे रिएक्ट, कार्बन कोक से, तो क्या मिलेगा? ZnO प्लस, सॉरी क्या मिलेगा आपको? ZN प्लस CO मिल जाएगा। बोलो अरे बोलो भाई, हेलो आवाज आ रही है? हेलो यस सर आ रही है। कहाँ चले गए? सोमिल चला गया क्या? और अक्षत क्या? नहीं सर, अभी भी सर रिजॉइन किया था मैंने। और वो प्रियांशु चला गया? प्रियांशु शर्मा, प्रियांशु कुमार क्लास में है? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा नेक्स्ट क्लास में तो कौन सा चैप्टर पढ़ाएं रिवीजन के लिए? बोलो सर। 11 स्टार्ट कर देते हैं। 11 तो मैं वो पढ़ाएं केमिकल बॉन्डिंग सर? फिजिकल से स्टार्ट कर देते हैं। तो कौन सा चैप्टर उठाएं पहले? सब उठा लेते हैं, एटॉमिक मॉडल। आओ चलो ये उठा लेते हैं, ठीक है? एटॉमिक मॉडल उठा ले। यस सर। ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाते हैं, तो पढ़ के आना एक बार, फुल रिवीजन करके आना तुम लोग। हम पूछेंगे भी और क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है? अगली क्लास कब होगी केमिस्ट्री की? कल तो एक वो ही है हमारी एडवांस की क्लास है। कल होगी ना सर क्लास? तो हाँ कल तो होगी एडवांस की क्लास मेरी। ठीक है। तो क्या हो गया सर? नहीं पूछा था, क्रिसमस है ना कल। अरे होगी क्लास क्रिसमस। और सर क्या कराएंगे आप एडवांस क्लास में? मैं कल अभी ऑर्गेनिक की क्वेश्चंस कराऊंगा यार, अच्छे से, थोड़े कम हुए हैं क्वेश्चन। सर ठीक है सर। सर क्या कह रहे हैं? मैं बोलूं कहाँ चले गए तुम? गोल कहाँ हो जाते हो? माइक में थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा तो रिवीजन के लिए स्टार्ट करना बोला, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है तो एटम या फिर तुमका तो मूल कॉन्सेप्ट, पहले मूल कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम्हें आता है, उसको क्या लेना है सर? मूल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स ये सब साथ में कर लेंगे, वो साथ में कर लेंगे। चलो उठाते हैं रिवीजन के लिए। अच्छा प्रियांशु तुम लोग हो जाओ, बात की थी फॉर्मल तुमने सर से? सर भरत सर को मैंने मैसेज किया था, उनका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा और चलो आ जाएगा उनका रिप्लाई, ठीक है। प्रियांशु तुम लोग वो कर लो, 2 तारीख को पेपर होगा तुम्हारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाला, तो उसका सिलेबस मैं बता देता हूँ तुम्हें। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं उसका तो मुझे याद है, मैं बता देता हूँ कौन सा है। सॉलिड स्टेट है ना, सुन लेना ध्यान से, सॉलिड स्टेट, और दूसरा चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड वन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फोर्थ वन, ठीक है? ये 4 चैप्टर है, ठीक है? तो उन्हें पढ़ लेना अच्छे से। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? बी ऑप्शन, सल्फाइड ओर, कॉपर की सल्फाइड, वेरी गुड। बताओ क्या होगा, क्या प्रेजेंट होती है इसमें इम्प्योरिटी? बोलो ब्लिस्टर कॉलर में तो SO2 की वजह से होता है ना? वो इम्प्योरिटी पूछा, कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसमें?
इसमें कुछ मिसिंग है मुझे लग रहा है। वैसे सी यू टू एस इसका आंसर और सी यू टी एस होना चाहिए वैसे, या सी यू टू, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी सी यू, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इम्प्योरिटी वो किस बेसिस पे बोल रहा है? उसे पता कॉपर की क्या होती है? ये तो सल्फाइड में ही प्रेजेंट होता है ना कॉपर। कॉपर किस में प्रेजेंट होता है? सल्फाइड में। और उसका इम्प्योरिटी के रूप में कौन सा है? ऑक्साइड। तो यहाँ पे याद रख लेना जो सी यू टू ओ है ये कैसा है, हम यहाँ पे यदि मैं बोलूँ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है किसमें? ब्लिस्टर कॉपर में। अब इसी आपस में रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है? कॉपर प्लस एसओ टू गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है, yes. है ना। और जो इसी को हम बोलते सिंपल ब्लिस्टर कॉपर। चलो ये सब तो तुम्हें पढ़ने वाली चीजें हैं। मुझे इसमें वैसे मुझे ही लगता कि एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम कैसे अलग करोगे बोलो? एल्यूमिनियम का वो होगा, आप क्या यूज करोगे बोलो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, आप कोक, दो तो जनरल हो गया, कोक ऐड करोगे सिंपल कोयला सी कार्बन, और फिर क्या बनेगा आपको? तो आपको सिंपल मिल जाएगा वहां पे, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। इस केस में अभी हम कोक को यूज कर लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको सिंपल एल्यूमिनियम प्लस सी ओ, ये मिल जाएगा। लेकिन ये तो मैंने माइनस एन एफ ई नोट बताया, ई नोट क्या था आपका सिंपल, ई नोट आपका स्टैंडर्ड, ये सारी बातें हम बताए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हैं बोलो? यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं तो सिंपल किससे है? यदि आप रिएक्टिविटी ऑर्डर से देखा हो या तुमने रिडक्शन से देखा हो, किसका हम हर किसी, जैसे मान लो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, yes. बोलो, उसके बेसिस पे भी हम करते हैं। यदि मैं बात करें आपके कई, यदि इलेक्ट्रोकेमिकल, वैसे मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने जो माना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल, वो एक आपका दो तरीके से होते हैं इलेक्ट्रोकेम, एक तो आप कैथोड एनोड से भी करते हो, ठीक है, एक आप रिएक्टिविटी से भी देखते हो, दोनों ही मेथड से आप देखते हैं। एक मिनट में कुछ पेजेस ले लेता हूं। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे समझो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता था, यहाँ पे माइनस एन एफ ई नॉट होता था, ठीक है। एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ यहाँ पे फेराडे होते थे, ई नॉट यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था, या हम सिंपल बोलते थे इलेक्ट्रॉन सेल पोटेंशियल होता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है मोर रिएक्टिव मेटल लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि आपकी ज्यादा रिएक्टिव वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो? सिंपल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बोलो? ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो क्या होती थी, आपकी जो मेटल होती थी वो ज्यादा रिएक्टिव होती थी। अच्छा लीथियम आपको याद है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। अब ध्यान समझना, अब इस केस में क्या होगा आपको पता है, देखो हमने बोला था तीन केस में आपको मेटल मिलती है। एक मेटल आपकी कैसी मिलती है, हाईली रिएक्टिव होती है। एक मेटल कैसी होती है बोलो? लो रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव को तो आपने कैल्सिनेशन रोस्टिंग प्रोसेस से अलग कर लिया। जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गई, लिथियम हो गई, हाई रिएक्टिव है। जब हाई रिएक्टिव है तो ये कैसी मिलेंगी आपको? कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी। और जब ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी तो क्या होगा? तो इस केस में हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल से हम यूज करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एक सेल बनाएंगे, ठीक है, उससे हम इसको अलग करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखते हैं, चलो अब देखो यहाँ पे सिंपल ध्यान समझना। जैसे मान लो ये लिया कॉपर लिया, तो कॉपर सी यू प्लस से किस में गया? सी यू में गया। एफ ई प्लस टू में गया। अब आप एक बात समझना यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या जो ई नॉट वैल्यूज है ये क्या हो रहा है, जैसे करेस्पॉन्ड टू ए पॉजिटिव ई नॉट एंड कंसिडर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अच्छा डेल्टा जी नॉट यदि मान लो आपका नेगेटिव है, या मैं बोलूँ आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता था, और आपको एक बात और पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट भी होता था। यदि मान लो आपका ई नॉट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप ये बताओ डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव होगा, दिख रहा है। और यदि मान लो आपका ई नॉट आपका पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, तो डेल्टा जी नॉट कैसा हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, और मोर रिएक्टिव मेटल क्या रहेगी, सिंपल आपकी सॉल्यूशन में रहेगी। जैसे आपने ये लिया कॉपर एक्वस एफई, अब देखो आपने भी याद हो जब हम सी यू एस ओ फोर लेते थे बचपन में, जब छोटे छोटे से थे क्लास टेंथ में, एफईएम आयरन रॉड आयरन लेते थे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते थे ब्लू कलर का, और हम यहाँ पे आयरन डाल देते थे, याद है, तो इस पर किस कलर का हो जाता, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती थी, यदि याद हो तुम्हें। यस सर, वही खेल यहाँ पे है, तो वहाँ पे एक्चुअल रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आई है उस पर कौन सा कौन डिपॉजिट हो जाता था, वहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता था, क्या डिपॉजिट होता था बोलो, कॉपर। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, देखो कॉपर क्या हो गया, आयरन पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, वही रिएक्शन तो हो रही है आपकी, बस यहाँ पे इन्होंने चार्ज के रिप्रेजेंट में दे दी। अब देखो, अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल था, यदि मान लो मैं यहाँ पे FeSO4 ले लेता, इसकी रिएक्शन में कॉपर से करा देता, तब क्या होता, पॉसिबल था ऐसा, रिएक्शन नहीं होता भाई, नहीं होती। यदि आप Fe यहाँ पे एक्वस में ले लेते और कॉपर आप सॉलिड में ले लेते, तब दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल या इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं होती। अब देखो आप कैथोड एनोड लोगे सिंपल, ठीक है, आपने कैथोड एनोड लिया देखो इस तरीके से, ठीक है, अब आप कह लो कैथोड एनोड लोगे, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया है, मैं N+2 आयन ले लिया, डिस्चार्ज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड डिपॉजिट देयर, मतलब आप ये अब क्या लोगे, अब आप सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लोगे, कैथोड एनोड लोगे, जैसे मान लो जब आपको इनको अलग अलग करना है, तो अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको मेटल्स यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे भी मैं बात करूँ, जो जो इलेक्ट्रोड भी होगा वो हमें सुटेबल मटेरियल का यूज करना होगा, ऐसा नहीं कुछ किसी का भी हम इलेक्ट्रोड यूज करना, याद रखना। अब यहाँ पे हम यदि बात करें तो देखो क्या होगा, देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये बात तो मैं सिंपल थोड़ी सी बात है समझ में आई ना, बोलो यहाँ पे सिंपल क्या यूज करेंगे, देखो सबसे पहले तो Mn+2 आयन का यूज करेंगे, किसके लिए, डिस्चार्ज किसके लिए, एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड डिपॉजिट देयर, और वो डिपॉजिट हो जाएगा वहां पे। अब यहाँ प्रिकॉशन क्या करना है, टेकिंग कंसीडरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल प्रोड्यूस्ड एंड सुटेबल मटेरियल आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, ये मैंने भी बता दिया आपको। समटाइम्स अ फ्लक्स इज एडेड, फ्लक्स को भी हमें ऐड करना पड़ सकता है कुछ टाइम बाद, क्यों, क्योंकि हमें क्या, फॉर मेकिंग द मोल्टेन मास, मोल्टेन मास मतलब सिंपल सी बात, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए उसकी कंडक्टिविटी, क्या बढ़ जाए, कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी बोलो, यदि आपने मान लो इलेक्ट्रिक, आपने कोई भी सेल लिया, ये आपने लिया, अब इसकी कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, एक बात बताओ, जब आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बोलो जब आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तभी तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बोलो है ना, तभी तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम सिंपल जैसे मान लो हम, यदि आपने देखा होगा कभी भी वाटर को, हम वाटर में नहीं, हम वाटर में यदि आपने देखा होगा, आपने एक चीज सुनी होगी, जब हम वाटर लेते हैं, यदि मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर लेंगे, तब तो आपका क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं होंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे तो वाटर कंडक्ट नहीं, लेकिन हम यहीं पे यदि क्या मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं, या कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला देते हैं, जब कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे तब क्या होगा बोलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आयंस आ जाए, और आयंस हो जाए तो क्या हो जाता है, ये वाटर जो होता है गुड कंडक्टर हो जाता है। तो आपने देखा होगा ये बहुत सी रिएक्शंस में हम ऐसा यूज करते हैं। चलो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन द मेटलर्जी
एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मिक्स विद किसमें Na3AlF6 और CaF2 विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, इनके क्या होते हैं बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ऑफ द मिक्स एंड ब्रिंग कंडक्टिविटी, क्या करते हैं कंडक्टिविटी को रखते हैं। अब यहाँ पे हम फ्यूज्ड मैट्रिक्स लेंगे सिंपल इलेक्ट्रोलाइज, अब क्या करें हम यहाँ पे स्टील कैथोड लिया एंड ग्रेफाइड का एनोड लिया, स्टील का क्या लिया हमने कैथोड लिया और ग्रेफाइड का एनोड लिया। अब ध्यान समझना, जब हम ग्रेफाइड का एनोड यहाँ पे इज यूजफुल हेयर फॉर रिडक्शन ऑफ द मेटल, जो सिंपल यहाँ पे जो ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड में क्या है बोलो कार्बन है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है सिंपल ये रिडक्शन के, किसके रिडक्शन के लिए मेटल के रिडक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब देखो सिंपल मैं यदि लिखता हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, ये मैंने पहले ही बताई थी याद हो तुम्हें, बोलो यदि आपको याद हो मैंने इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट तो हमें यूज करना ही होगा, सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज आप चाहे कुछ भी करो यूज तो करना ही पड़ेगा। अब देखो क्योंकि नहीं तो बहुत हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, अब हम इसको इस प्रोसेस को जो बोल जानते हैं हाल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो अब हम यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक क्या लेते हैं एक सेल लेते हैं मोल्टन मास लेते हैं वहां पे, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये ले लिया हमने कॉपर क्लैंप ले लिया एनोड ले लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये मोल्टन यहाँ पे सिंपल मास पर दिया आयरन है, ये कैथोड लाइनिंग है ठीक है, आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम है मोल्टन Al2+3 और प्लस Na3AlF6 है पिघला हुआ है ना। अच्छा मोल्टन स्टेट में क्यों लिया कोई बच्चा बताया यहाँ पे हम, यदि मान लो मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ले लेता तब क्या हो जाता, आयंस फॉर्म नहीं कर पाते, आयंस फॉर्म नहीं करते वाला कंडक्टिविटी नहीं होती, कंडक्टिव बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होते। अभी तो आप पता है ना यदि मान लो आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम कैसा होगा पॉजिटिवली, एक जनरली मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो ये कैथोड के पास जाएगा एनोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा तो मतलब ये डिपोजिशन हो जाएगा यदि मैं बात करूँ, तो देखो कहाँ गया, देखो कहाँ गया एल्यूमिनियम बोलो कैथोड एनोड पे कार्बन चला गया, तो क्या मिल गया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात क्लियर यस सर। अच्छा ग्रेफाइट यहाँ पे कैसा काम कर रहा है बताना, एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहा है बोलो, यदि आप ग्रेफाइट की बात कर रहे हो तो कैसे बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये कर लेना क्वेश्चंस ठीक है। आप अब जैसे कॉपर को आपको अलग करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ठीक है, तो ये तो पढ़ लेंगे ना आप, बताओ कि पढ़ा दूं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कुछ आता नहीं है, है ना जो मैं बताने वाला हूँ ये भेज दूंगा आपको PPT, रिफाइनिंग इम्पोर्टेंट है। चलो सिंपल रिफाइनिंग कैसे बोलेंगे, हमें क्रूड मेटल को क्या करना है बोलो, क्रूड मेटल बाय रिमूविंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज, हमें क्या निकालना वहां से सिंपल क्रूड मेटल से उसके क्रूड मतलब जो आपने क्रूड मेटल ली है अब हमें उसको भी क्या करना है बोलो, जो मेटल मिल गई क्रूड मेटल उसको भी हमें प्यूरिफाई करना है ठीक है, उसमें कोई भी मेटालिक और नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज है उसी को क्या करना है बोलो, उसी को क्या करेंगे हम उसी को क्या बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलेंगे ठीक है। अब देखो 7 मेटल है, आपने सुना डिस्टिलेशन प्रोसेस, दूसरा लिक्विडेशन प्रोसेस, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, चौथा पोलिंग, पांचवा जॉन रिफाइनिंग, छठवा वेपर फेज और सातवा क्रोमेटोग्राफी ठीक है। पहला हम देखते हैं डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में बात समझ में आ रही होगी सिंपल नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगी और एक वोलेटाइल होगी, अच्छा वोलेटाइल किसे बोलते हैं कोई बच्चा बताएगा बोलो, या मैं बोलूं सिंपल रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली वोलेटाइल नेचर का होगा जैसे पेट्रोल डीजल है ना। तो देखो यहाँ पे दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वोलेटाइल मेटल,
जैसे एग्जांपल हो गया जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब देखो जैसे इस तरीके से ये क्रूड मेटल है, ये बॉयलर है, ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ये आप देख सकते हो। देखो अब आपको सिंपल डिफरेंट डिफरेंट रेसिडुअल, हैवी गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैस ऑयल, केरोसिन, गैसोलीन, है ना, नेप्था, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते चले जा रहे हैं, है ना। डिस्टिलेशन कॉलम, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो प्योर मेटल वेपराइज हुई, कंडेंस सेपरेटली हो गई, अलग अलग क्या हुई, कंडेंस हो गई, सिंपल। अब नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कहाँ रहेगी, लेफ्ट इन द फर्नेस, जो आपकी फर्नेस आप यूज कर रहे हो इसमें, सिंपल आपकी नॉन। अब देखो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो तुम क्रूड ऑयल, यदि आप नोटिस कर रहे हो, एक्चुअली आप क्रूड ऑयल का ही आप वहाँ पे पढ़ते हो बहुत अच्छे से, जब आप पेट्रोलियम भारत प्यूरिफिकेशन ऑफ देखेंगे ना गैसेस के बारे में ना, आप ONGC किसी ने सुना है नाम, है ONGC सुना है, बोलो। ओ तो ONGC में यदि हम बात करें तो यही सब करते हैं। आप अभी जब आप जाओगे मेटलर्जी या केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू या उसके थ्रू आप जाओगे, जब इंटर होगे उसमें, तो आप वहाँ पे ये सब सीखोगे, ये आप करोगे भी उसमें, है ना, निकालोगे भी गैस कैसे, पेट्रोल डीजल केरोसिन, इन सब के बारे में आप पता करोगे अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से होता है, सिंपल, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा इमेज इक्वेशन, बस थोड़ा बस देख लो, बस होता क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, सिंपल। इन दिस प्रोसेस द लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर्म फ्यूजिबल लिक्विड ऑन हीटिंग एंड फ्लोज डाउन, ठीक है। दिस मेटल इज एम्प्लॉयड व्हेन इम्प्योरिटी हायर मेल्टिंग पॉइंट, जो इम्प्योरिटी होगी उसके हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड मेटल लोअर मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल सी बात, जो मेटल हमें निकालना है उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा, जैसे बिस्मिथ हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, इस मेथड से आप क्या करते हो, निकालते हो। तो इस तरीके से होता है इम्प्योर मेटल स्लोपिंग, तो ये वर्किंग है, देखो इस तरीके से ये होता चला जा रहा है, ये प्योर मोल्टन आपको मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है इम्प्योरिटी का, बोलो, बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो ये तो क्या नहीं होगा, ये तो आपका मेल्ट ही नहीं होगा ना, जो मेल्ट होगा उसका प्योर मेटल का क्या रखा उन्होंने, बोलो, प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट रखा उन्होंने लो रखा, तो वो पहले ही हो जाएगा मेल्ट, ठीक है, बताओ ऑप्शन बी, ऑप्शन वेरी गुड, कौन सा रह गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक समझ में ही आ रहा होगा, सिंपल सी बात, क्या करेंगे बोलो, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तो आपको यदि याद हो तो मैं बचपन में यहाँ पे एनोड में रोड था, याद है, बोलो, इम्प्योर मेटल एनोड है ना, एनोड पे होता था, और दोनों हम यदि बात करें कॉपर का ही कैथोड लेते थे, कॉपर का ही एनोड लेते थे, और इसी के नीचे यहाँ पे आपको एक मिलता था जिसको हम बोलते थे एनोड मड, ये प्योर मेटल यहाँ पे मिल जाता था, कहाँ पे, तो याद रख लेना, इम्प्योर मेटल कहाँ मिल रहा है, एनोड पे, और कैथोड पे क्या मिल रहा है, बोलो, प्योर मेटल, ये मिल गया आपको Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस टाइप से, देखो आप लेबोरेटरी में करोगे तो इस तरीके से करोगे, है ना, ये मैंने बात ही, एनोड मड आपसे पूछ लेता कभी कभी, तो एनोड मड किसे बोलोगे, बोलो, पुलिंग देख लो, बस याद रखना आपको, सिंपल, इम्प्योर मेटल है, स्टीरिंग करोगे, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये आपको मोल्टन मेटल मिल जाएगी, और इसकम ऊपर आ, इसकम समझते हो, झाग, याद रख लो, जोन रिफाइनिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, यही यूज करते हैं, सिंपल, मैक्सिमम केस में, व्हेन इंप्योर मेटल, मेटल इज मेल्ट,
एंड अलाउड टू सॉलिडिफाइड। अब देखो तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है वो मूव अवे दूर चली जाती है फ्रॉम द सॉलिड रीजन से, ठीक है। देखो इस तरीके से ध्यान समझना, देखो कैसे हुआ, इम्प्योरिटी क्या हो गई बोलो, दूर चली गई, और वो कहाँ पे चली गई, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो गई, मोल्टन रीजन, मोल्टन मतलब समझ रहे हो बोलो, जो पिघला हुआ है, और ये आपका सिंपल क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्योर, यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो गई, देखो ये सॉलिडिफाइड होती चली जा रही है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है बोलो, ये आप सब देखोगे डिवाइसेस। अभी आप जब जो बच्चा यदि इंजीनियरिंग में उसको मिलता है मेटलर्जी में, लेकिन इतना स्कोप नहीं है इंडिया में, एक बात ध्यान रखना, इस ब्रांच में है ना, इस ब्रांच में इतना स्कोप नहीं है मेटलर्जी ब्रांच में, क्योंकि माइनिंग वगैरह कितनी है ना के बराबर। ONGC में तो अच्छा है, यदि आप पेट्रोलियम में जाते हो बहुत अच्छा पैकेज लगता है, वो जाते हो तो 25-30 लाख से स्टार्टिंग होती है पैकेज की, यदि आप IIT से पास आउट हैं, NIT से पास आउट हैं, और स्टार्टिंग जो होगी ONGC में मिनिमम 15 लाख से होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन देखो, ये निकल है NiCO4 बना, ये जर्कोनियम है, इसने I2 से रिएक्ट किया तो ZrI4 बना दिया। अब यहाँ पे समझना, जो मेटल होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कहाँ पे बोलो, सिंपल वोलेटाइल में, ठीक है, और उसको कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी, जैसे मान लो ये मेटल है, इसको हमने क्या कर लिया, वोलेटाइल नेचर मतलब एवेपोरेट होने लगी, तो हमने इसको कहाँ कर लिया, एक दूसरे कैनोनिकल फ्लास्क पे मान लो हमने इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, हीट किया हमने तो CO मिल गया प्लस निकल मिल गया, हीट किया I2 मिल गया, जर्कोनियम मिल गया। अब याद होगा तो मैं इसको मॉन्ट्स प्रोसेस बोलते थे, याद है, इसको वैन अर्कल मेथड बोलते थे, ये आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी, इसका ज्यादा बेसिक क्रोमेटोग्राफी का बहुत ज्यादा यूज है साइंटिफिक में, तो एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी कई टाइप की होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी होती है, लेकिन और इसका बहुत ज्यादा यूजेस भी है, गैस क्रोमेटोग्राफी तो आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम उस पर वर्क भी है, और ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल द मेथड इज बेस्ड ऑन द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्चुअली पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या इंक लगाते हैं हम, सिंपल चार कलर आपको गलत गलत फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पता लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट लोगे, अब वो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन अलग अलग करते हैं, वहाँ पे हम सॉल्वेंट का फ्लो देखते हैं, जैसे ध्यान समझना, ये है एडजॉर्बेंट है, ध्यान समझना, अब देखो ये कलर चेंज करा, देखो ये हो गया, ये आपको क्या मिल गया बोलो, अलग अलग क्या मिलती जा रही बोलो, कंपाउंड वन, कंपाउंड टू, कंपाउंड थ्री, अलग अलग तो मिलते जाएंगे, तो देखो ओर है, ओर को आप कंसंट्रेशन करोगे, ये वाले कौन से, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, थ्रोट लीचिंग, फिर आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे, कंपाउंड टू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये रिफाइनिंग करोगे, फिर डिस्टिलेशन, सात प्रोसेस से, पोलिंग, जॉन रिफाइनिंग, फिर आप उसके बाद प्योर मेटल पालेंगे, क्या पालेंगे, प्योर मेटल पालेंगे, बताओ इसको प्यूरिफाई, निकल पढ़ लेना, जर्कोनियम हो गया इसका, ठीक है। अब देखो ये और है, ये सब
अब तुम ये खुद पढ़ लेना, यहाँ पे आपको कुछ है नहीं, जिंक ब्लेंडी कुछ, बस जिंक आपको निकालना है, ठीक है? तो आप पूरा ही प्रोसेस लगेगा पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, एक है ना, तो किस तरीके से निकालते हैं, तो आप इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना। अब बताओ किसी कोई दिक्कत? ये तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, देख लेना तुम एक बार इसको, ये मैं लेके भेज देता हूँ तुम्हें, सब भेज देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या स्टार्ट करूंगा? हाँ बोलो। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट खुद से पढ़ना था। एफ ब्लॉक एलिमेंट तुमने पढ़ा तो दिया था मैंने, एफ एफ ब्लॉक एलिमेंट खुद से पढ़ लो, उसमें कुछ है नहीं, उसमें एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट तुम देखो छोटा सा पैराग्राफ होगा, जैसे लेंथ का वैसे एक्टिनोइड था उसमें, उससे उसको बस छोटा दो पेज, एनसीईआरटी में भी ज्यादा नहीं आई थी, दो पेज है। तुम कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं है उसमें, एक्टिनोइड लेंथेनोइड वही है, वेरिएबल बैलेंसी वही, सारी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है लेंथेनोइड एक्टिनोइड में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तुम बताओ इसमें क्या कार्बन एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन स्टार्ट कर दें, उससे पहले मैं पहले वो पढ़ा दूं तुम्हें, कौन सा चैप्टर? एनवायरमेंटल पढ़ा दूंगा पहले यार, वो थोड़ा सा पढ़ लो, इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ लो, स्मोक लॉस एंजल्स, स्मोक किसे बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं, ये सब पढ़ लो बस, ठीक है? ओके दैट्स इट अल्फा टुडे। ओके।